चलिए आर एस बिफोर जजमेंट हो गया था, अब अटैचमेंट देखना है। ठीक है, ये क्या है? ये इंटरिम ऑर्डर है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब केस चल रहा होता है तो केस ये किसी की राइट्स एंड लाइबिलिटी नहीं बताते हैं। ठीक है, किसी को कोई राइट नहीं देते हैं, किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं बताते हैं, फिर भी कोर्ट बीच में ये ऑर्डर पास करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जब डिग्री पास हो या जब जजमेंट पास हो, जब डिग्री बने, तब उसको एग्जीक्यूट कराया जा सके। समझे कि नहीं? जो प्लेंटिफ पूरी मेहनत कर रहा है या कोई भी पार्टी जो मेहनत करे, जिसे एट द एंड में जिसे फ्रूट मिलना चाहिए उसे वो मिल सके। ठीक, तो ये हो गया। हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा था अरेस्ट बिफोर जजमेंट, जजमेंट से पहले कब अरेस्ट किया जा सकता है। ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कि कब प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। ठीक, ऑर्डर 38, रूल 5 से लेके 13, 5 to 13। ठीक, पूछे जाते हैं, ये प्री के क्वेश्चन हैं। प्री का क्वेश्चन क्या क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा कि कौन कौन से रूल में है। ठीक है, अरेस्ट रूल 1 से लेके 1 to 4 है। ठीक है, ऑर्डर 38 और अटैचमेंट रूल 5 से लेके 13 तक, ये याद रखिएगा। ठीक, और इसमें अरेस्ट में ये बात पूछी जाएगी कितनी क्या पनिशमेंट है। ठीक है, अप टू 50 रुपीज़, अगर 50 रुपये तक का केस है तो कितनी है? 6 वीक। ठीक है, मोर देन फिफ्टी है तो कितनी है? कितनी है? 6 मंथ। ठीक, और क्या पूछा जा सकता है? और प्री में ये पूछा जाएगा, हाँ, अगर अनरीजनेबल ग्राउंड पे किसी ने ये ऑर्डर ले लिया अरेस्ट या अटैचमेंट का, तो कितनी होगी? सेक्शन 95 पावर देता है, 50,000 रुपये तक की कंपनसेशन दिया जाएगा जिसको अरेस्ट कर लिया गया फालतू में, या जिसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई। ठीक है, या पेकोनरी ज्यूरिडिक्शन जो कोर्ट की होगी उतना। ठीक है, उतना मतलब मैक्सिमम तो 50 ही है, अगर पेकोनरी ज्यूरिडिक्शन कम हुई तो उससे कम, ये हम पहले कल बता चुके हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ अटैचमेंट। अटैचमेंट भी वही है कि भैया अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, बेच के भाग रहा है, या कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन से अलग कर रहा है प्रॉपर्टी को, कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर रहा है, बेच के कहीं और ले रहा है, तो उस केस में प्लेंटिफ कोर्ट को कहेगा, माई इन्फॉर्म करेगा कि माई लॉर्ड, या एफिडेविट के थ्रू या अदरवाइज, कि माई लॉर्ड कुछ करिए, ये तो सब बेच के भागे जा रहा है, फिर क्या बाद में जजमेंट आने के बाद इनके कपड़े उतरवाओगे? ऐसे नहीं कह सकते। मतलब कहने का मतलब वही है ना कि आप सेटिस्फाई कैसे होगी फिर डिग्री, जब ये सब कुछ बेच के भाग जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कोर्ट जो है पहले से ही, जजमेंट आने से पहले ये अटैचमेंट की ऑर्डर कर देती है। ठीक है, एक केस है, इन दोनों ही केस में, चाहे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो चाहे अरेस्ट बिफोर जजमेंट हो, दोनों ही केस में एक केस है, रमेश टेक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स, सोलंकी LANKI ट्रेडर्स। इसमें क्या हुआ था? इसमें कोर्ट ने दो बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई ये सब चीज़ें ये जो हैं किसी, अरे आप पहले से ही किसी को अरेस्ट किए ले, दोनों में से किसी एक पार्टी को, क्या पता उसी की प्रॉपर्टी हो, क्या पता वो ऐसे काम ना कर रहा हो। ठीक है, तो दो चीज़ें आप पहले सेटिस्फाई होने चाहिए कोर्ट को, कि केस बोनाफाइडली हो, ठीक है, बोनाफाइडली, और अनइम्पीचेबल लॉस हो, अनइम्पीचेबल लॉस हो। ठीक, दूसरा तो बोनाफाइडली और अनइम्पीचेबल लॉस, रियल डेंजर टू द डिफेंडेंट। ठीक है, रियल डेंजर टू द प्लेंटिफ, रियल डेंजर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही ना हो कि फर्जी एकदम। ठीक, जैसे कि इसमें है कि मान लो कि इन दोनों, जज साहब को बैठा दो पहले अपनी जगह पे, जज साहब हमेशा होते हैं। ठीक है, बस इसी साहब का सब खेल है कि भाई क्या बनना है, जज साहब बनना है। चलो
क्या है इसमें, पार्टी बैठ गए अपने यहाँ। अब इन्होंने, एक प्लेंटिफ ने बोला कोर्ट से, माय लॉर्ड ये अपना मकान बेच के भागे जा रहे हैं, ठीक, इन्होंने अपना एक प्लॉट बेचा है 5 लाख का, और एक्चुअली में इसने 5 लाख का एक प्लॉट बेचा था, ठीक, इन्होंने 5 लाख का प्लॉट बेचा, इन्होंने कोर्ट में इन्फॉर्म किया, कोर्ट ने पूछा हाँ भाई 5 लाख का प्लॉट बेचा, कोर्ट ने इनको अरेस्ट या इनके अटैचमेंट के ऑर्डर पास कर दिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ मान लो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए, ठीक। अब भैया सोकॉस कोर्ट, जब ये पहले तो सोकॉस देगी ना, तो सोकॉस में कोर्ट ने पूछा क्यों भाई, क्यों ना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाए या तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए, तो वो समझाएगा कि माय लॉर्ड ऐसा है, केस चल रहा है 5 लाख का, ठीक है, और यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, 1 करोड़ की, अगर 5 लाख का मैंने कोई प्लॉट बेचा भी तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि मैं यहाँ पर भागने वाला हूँ, है अबे 95 लाख की और प्रॉपर्टी पड़ी है मेरी यहाँ पर, समझे कि नहीं। तो इससे ये सो होगा कि नहीं भाई उसका ऐसे तो 5-10 लाख की प्रॉपर्टी हम खरीदते बेचते रहते हैं माय लॉर्ड हर साल, इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे केस से कोई रिलेटेड नहीं है, अरे 5 लाख रुपए केस के लिए, हम यहाँ पर करोड़ों प्रॉपर्टी हम बेच के थोड़े भाग जाएंगे यहाँ से, है कि नहीं, और ना हम बेच रहे हैं, तो अगर कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर देगा तो कोर्ट ना अरेस्ट करेगी ना अटैचमेंट करेगी, समझे ना। चलो पढ़ो। हाँ जी, रूल 5 पे आ जाओ, ऑर्डर 38 के, वेयर डिफेंडेंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द कोर्ट इज सब्सक्राइब बाय द एफिडेविट और अदरवाइज दैट द डिफेंडेंट विद द इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम, दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि भैया या तो पूरी या कोई प्रॉपर्टी का पार्ट बेच दे रहा है, इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी केस हुआ तो द कोर्ट में डायरेक्ट द डिफेंडेंट विद इन ए टाइम टू बी फिक्स बाई इट एदर टू फर्निश सिक्योरिटी, या तो सिक्योरिटी जमा करो इन सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर में दिया हुआ है उतनी, टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट वैन रिक्वायर्ड द सेट प्रॉपर्टी और द वैल्यू ऑफ द सेम और सच पोर्सन देर ऑफ एज मे बी सफिशियंट टू सेटिस्फाई द डिग्री और एक्ट टू अपियर एंड सो कॉज वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, और साथ में ये भी, या तो भाई आप जो ऑर्डर में दिया हुआ है उतनी आप सिक्योरिटी सबमिट करो, या तो ये बताओ कि क्यों ना आपसे सिक्योरिटी ली जाए, ठीक, जैसे ये वाली बात उसने बताई कि माय लॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ मैंने 5 लाख की प्रॉपर्टी बेची लेकिन ये तो चलते ही रहता है, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ठीक है, 5 लाख के केस के लिए, और कोर्ट भी ये मान के चले कि हाँ 5 लाख के केस के लिए कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पर बेच के नहीं भाग जाएगा, ठीक है भाई, बेच के भागना एक बहुत बड़ी बात होती है, सारी चीज़ें हमेशा लाइबिलिटी जब तुम्हारी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो या इक्वल हो तभी आदमी, या कम से कम उसकी 75% हो तभी आदमी बेच के भागेगा, समझेंगे, ऐसे बेच के नहीं भागता कि जितनी जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी 5% लाइबिलिटी है केवल, तो कोई बेच के नहीं भागेगा, उससे ज़्यादा लॉस होता है भाई। द प्लेंटिफ सेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटैच एंड एस्टिमेट द वैल्यू देयर ऑफ, ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टी अटैच होगी, जो प्लेंटिफ भी बोल सकता है माय लॉर्ड इनकी ये वाली प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए, द कोर्ट में ऑल्सो इन द ऑर्डर डायरेक्ट द कंडीशनल अटैचमेंट ऑफ द होल और एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सो स्पेसिफाइड, कोर्ट भी ये भी बोल सकता है, कोई भी कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है, या तो पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए या कोई भी पोर्शन, जितने का केस चल रहा होगा ना जिस अमाउंट का उसी हिसाब से प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, मान लो कोई हवेली है उसकी पूरी, समझेंगे नहीं, 5 लाख का केस 5 करोड़ की हवेली आप अटैच किए ले रहे ऐसा थोड़े है, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन अटैच कर लेंगे। इफ एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 ऑफ दिस रूल सच अटैचमेंट मे बी शैल बी वॉइड, ठीक है, इसका कंप्लायंस बहुत जरूरी होगा, अगर इसको नहीं उसके बाद इसका कंप्लायंस किए बिना अटैचमेंट कर लिया तो फिर वॉइड माना जाएगा। चलो, अटैचमेंट वेयर वेयर कॉस्ट नॉट सोन और सिक्योरिटी नॉट फर्निश, ठीक है, 6 ये बोलता है रूल 6 कि अगर उसने क्या दिया सो कॉस्ट नहीं दिया, कॉस्ट सोन नहीं किया कि क्यों ना अटैच की जाए या कोई सिक्योरिटी फर्निश नहीं की तो फिर कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर कर देगी, ठीक है। 6(2) ये बोलता है कि अगर डिफेंडेंट ने कॉस्ट सो कर दिया या कोई भी सिक्योरिटी सबमिट कर दी तो फिर अटैचमेंट हट भी जाएगा, विड्रॉल कर लिया जाएगा, ठीक, पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं, ठीक है। 7वां, मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट, मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट कैसे होगा, चाहे अरेस्ट हो चाहे अटैचमेंट हो, जैसे
एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट और अरेस्ट होता था वैसे ही यहाँ होगा, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूशन में अरेस्ट और अटैचमेंट होता था, ठीक है, एग्जीक्यूशन में कैसे डिग्री पास होने के बाद वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो किए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये अटैचमेंट है तो अटैचमेंट कहाँ, ऑर्डर 21 में दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर 21 में शायद 40 के आसपास है, रूल 40 के आसपास, 40 या 41 से चालू होता है, ठीक है। 41 से है 60-8 तक है, ठीक, देख लेना वो पूरी हेडिंग है, ठीक है, अटैचमेंट करके, अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन। तो वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और एडजुकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट, ठीक है। रूल 8 बोलता है कि कोई भी अगर एडजुडिकेशन करना है, ठीक है, जजमेंट से कोई भी एडजुडिकेशन करना है जजमेंट आने से पर या जजमेंट आने से पहले, तो वो भी आप उसी अटैचमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लेन देन है, कोई भी सेट ऑफ करना है, कुछ भी करना है, वो सब हो सकता है। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट एंड सिक्योरिटी फर्निस और सूट डिसमिस्ड, रूल 9 ये बोलता है कि अगर उसने सिक्योरिटी दे दी, मान लो अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट हो गया, अब अटैचमेंट होने के बाद उसने सिक्योरिटी जमा कर दी, सिक्योरिटी मान लो कागज़ जमा कर दिए प्रॉपर्टी के या कुछ भी, ठीक है, कोई और प्रॉपर्टी के कागज़ दे दिए या कोई सिक्योरिटी आ गया, उसने गारंटी ले ली, तो ऐसे केसेस में वो हटा दिया जाएगा अटैचमेंट, या उसके फेवर में केस आ गया या कोई केस डिसमिस हो गया, तो इन दोनों केसेस में भी अटैचमेंट हट जाएगा, ठीक। लेकिन रूल 9 कहीं और था, हाँ 10 क्या बोलता है, 10 ये रूल 10 बोलता है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट द राइट ऑफ रेंजर नॉट बार डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल, ठीक है। अगर किसी कोर्ट ने अटैचमेंट बोल दिया है, ठीक, मान लो ये प्रॉपर्टी थी, जज साहब ने कोई एक प्रॉपर्टी थी इसकी, प्रॉपर्टी थी ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी इसकी, और जिसको जो है कोर्ट ने अटैच कर लिया है, ठीक, अटैच कर लिया है, ठीक, ये वाली कोर्ट ने। अब मान लो कोई एक स्ट्रेंजर है, उसका इस प्रॉपर्टी पे राइट था, ठीक है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। या कोई आदमी है जो पहले से ही इन दोनों के बीच में केस चल रहा था और ये एक डिक्री इसके फेवर में डिक्री पास हो गई है, ठीक, तो इस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए ये नहीं रुकेगा, ये इसलिए नहीं रुकेगी ये एग्जीक्यूशन इसका कि ये दूसरी कोर्ट ने इसको अटैच कर रखा है इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास अगर डिक्री है, ठीक, कोई डिक्री होल्डर है जिसके पास इस प्रॉपर्टी को सेल कराने का या कुछ भी कराने का अगर पावर है, तो वो होता रहेगा, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करेगा। मान लो कि ये डिक्री होल्डर आ गया, उसने कह दिया कि माय लॉर्ड इसके ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उस पे तो मेरा वो मेरे फेवर में डिग्री आई हुई है, ठीक है, मुझे इसका पोजीशन मिलना है या इस प्रॉपर्टी का सेल होना है, जो भी कुछ होगा तो वो होता रहेगा। फिर प्लेंटिफ को इस केस में क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को फिर से कोर्ट को इन्फॉर्म करने पड़ेगा, माय लॉर्ड जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की थी वो तो दूसरे आदमी के पास चली गई क्योंकि वो डिग्री होल्डर था, तो कोर्ट फिर और देखेगी अब क्या कर सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी अटैच करेगी, समझे नहीं, पढ़ो रूल 10। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट द राइट एग्जिस्टिंग प्रायर टू द अटैचमेंट, अगर किसी के पास प्रायर टू अटैचमेंट किसी स्ट्रेंजर के पास प्रॉपर्टी लेकर राइट था तो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। ऑफ पर्सन नॉट पार्टीज टू द सूट नॉर बार एनी पर्सन होल्डिंग ए डिग्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री। अब सेल के लिए इसके पास पावर थी, है कि नहीं, वो केस जीत के आए भैया सेल करवाएगा, अब वो डिग्री होल्डर है, तो अब ये प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट ने अटैच कर ली है, ये इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर, ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं। अरे है ही क्या समझने के लिए यार, एक बार रीडिंग मारो सब समझ में आता है। बस क्या होता है, देखो पढ़ने पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, तरीके तो बहुत सारे होते हैं, दो मेन होते हैं, कि या तो फिर आप एकदम लैंग्वेज को एकदम एक एक लाइन पढ़ के उसकी हिंदी समझा के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। दूसरा ये होता है कि आप ओवरऑल उस सेक्शन का एक बेस समझाएं, ठीक है, जो एकदम बेस होता है ना वो समझा दिया कि इसका सेक्शन पूरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये काम करता है, उसके बाद आप अगर रीडिंग मारें अपने आप सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हाँ भाई यही तो बात है कि नहीं। चलो 11 ए प्रोविजन एप्लीकेबल टू अटैचमेंट, द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट एप्लीकेबल टू अटैचमेंट मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होल्डर सो फॉर एज मे बी अप्लाई टू द अटैचमेंट मोर बिफोर द जजमेंट कंटिन्यू आफ्टर द जजमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 11 अटैचमेंट मेड बिफोर द जजमेंट सो व्हिच इज डिसमिस्ड डिफॉल्ट शैल नॉट बिकम रिवाइव मेरली। हाँ ये 11 ए का सेकंड पढ़ो, 11 ए का सेकंड पहले रीड मारो। एन अटैचमेंट मेड बिफोर द जजमेंट इन ए सूट व्हिच इज डिसमिस्ड और डिफॉल्ट
shall not become revived merely by reason of the fact that the order for dismissal of the suit for default has set aside and the suit has been restored. ठीक है, मान लो क्या हुआ कि ये केस था, जज साहब थे, इन्होंने इसको अटैचमेंट के ऑर्डर पास कर दिए. ठीक, अटैचमेंट के ऑर्डर पास कर दिए. अब क्या हुआ, लेकिन अटैचमेंट के बाद ये केस क्या हुआ, डिसमिस हो गया. डिसमिस होने के बाद आपको पता है डिसमिस होने के बाद क्या होगा, अटैचमेंट हट जाएगा. ठीक है, अब मान लो अपील में जाके क्या हुआ, ये केस रिवाइव हो गया. अगर रिवाइव हो गया, फिर से अगर चालू हो गया, तो इसका मतलब ये अटैचमेंट फिर से चालू नहीं होगा. ठीक है, अटैचमेंट के लिए फिर से आपको ऑर्डर करवाने पड़ेंगे. समझ में आ रही बात कि नहीं. क्या हुआ, पहले अटैचमेंट हुआ लेकिन बाद में केस डिसमिस हो गया. डिसमिस होने पे क्या होगा, अटैचमेंट हट जाएगा. कौन सा रूल था, रूल 10 था ना. रूल 9. ठीक है, रूल 9 के हिसाब से अगर केस डिसमिस हुआ, अटैचमेंट हट जाएगा. अटैचमेंट हट गया लेकिन बाद में केस क्या हुआ, मान लो अपील हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें रिवाइव हो गया केस, फिर से चालू हो गया, तो अटैचमेंट फिर से चालू नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होगा. इसके लिए फिर से कोर्ट ऑर्डर पास करने पड़ेंगे. ठीक, इतनी सी बात कहता है 11A का 2. पढ़ो फिर से. एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट इन ए सूट विच इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट शैल नॉट बिकम रिवाइव मेयरली बाई रीजन ऑफ द फैक्ट डेट द ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट हैज बीन सेट असाइड एंड द सूट हैज बीन रिस्टोर्ड. समझ में आई बात कि नहीं. चलो, रूल 12 ये बोलता है कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अटैच नहीं हो सकती बिफोर जजमेंट. ठीक, रूल 13 ये बोलता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज जो अटैचमेंट नहीं कर सकती. ठीक है, बस इमोवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट. ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेरी और इंटरलोकेटरी ऑर्डर. कौन कौन से इंटरिम ऑर्डर होते हैं या सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग कौन कौन सी थी उसमें. सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग कह दो या इंटरिम ऑर्डर कह दो या मिसलेनियस एप्लीकेशन कह दो. ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो. क्या क्या, एक तो हम लोग ने पढ़ा अरेस्ट बिफोर जजमेंट. ठीक है, अरेस्ट बिफोर जजमेंट. फिर हम लोगों ने पढ़ा अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेम्परेरी इंजंक्शन, फिर इंटरलोकेटरी ऑर्डर, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिसीवर. रिसीवर तो 5 ही रूल हैं. ठीक है, तो ये ऑर्डर 38 था, ये भी 38 था, ये 39 है, ये भी 39 है, ये 40 है. फिर 41 से अपील चालू हो जाएगी, वहाँ पर सेक्शन 96 से चालू हो जाएगा. बहुत बढ़िया चल रहा है. ठीक है, चलो अब हम लोग अगले लेक्चर में ये दोनों चीज़ें निपटाने की कोशिश करेंगे. ठीक, थैंक यू.